हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिपतुल्ला जकी आपका अलकलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन जैसी महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में हम सब आपके साथ हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट प्रोटीन तक डिस्कस कर लिया था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फूड में जो मोस्टली जो मेन जो छह न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स इत्यादि। तो आज हमने प्रोटीन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे विटामिंस को। स्टूडेंट्स, तो आइए विटामिंस पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, विटामिंस होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना ये है। तो विटामिंस जो होता है स्टूडेंट, ये प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है। विटामिंस आर प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स। विटामिंस क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है। ये हमारी बॉडी में अगर होगा तो हम बहुत सारी डिजीज वगैरह से बच सकते हैं। तो विटामिंस जो होता है स्टूडेंट, वो दो तरीके का होता है। क्या होता है स्टूडेंट, दो तरीके का होता है। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है स्टूडेंट फैट सॉल्युबल। फैट सोलेबुल वाइटामिन है, फैट सोलेबुल वाइटामिन कौन कौन होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई है ना, एंड विटामिन के है ना, एंड विटामिन के। ये सब जो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या होता है, फैट सोलेबुल होता है। ये सब विटामिन फैट सोलेबुल होता है, यानी फैट में ये सोलेबुल कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, है ना। और हमारे बॉडी को विटामिन डी जो है स्टूडेंट्स, ये जो विटामिन डी है ये सनलाइट से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है आपको, सनलाइट से मिल जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स होता है, दूसरा जो क्या कहते हैं विटामिन होता है वो होता है वाटर सोलेबुल। क्या होता है, वाटर सोलेबुल। वाटर सोलेबुल विटामिन में कौन कौन हो गया स्टूडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी है ना। ये सब क्या होता है स्टूडेंट, आपका वाटर सोलेबल होता है, ठीक है। और ये जो विटामिन है स्टूडेंट, इसको हम लोग अपने बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो उसको वाटर सोलेबल विटामिन को हम अपने बॉडी के अंदर बहुत देर तक स्टोर करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन फैट सोलेबल विटामिन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर बहुत समय तक के लिए क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिंस और उसके सोर्सेस पर, है ना, विटामिंस और उसके सोर्सेस पर। ओके स्टूडेंट्स, कि विटामिंस में मिलता कहाँ से है, ये कहाँ कहाँ से मिलता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक चार्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका है सपोज स्टूडेंट्स विटामिन, ठीक है, यहाँ है इसका सोर्सेस और यहाँ इम्पोर्टेंस, ठीक है। जैसे विटामिन ए की बात करें स्टूडेंट्स हम लोग, तो विटामिन ए जो हमें कहा किस किस चीज से मिलता है, मिल्क से मिलता है स्टूडेंट्स, चीज से मिलता है ना, एग से मिलता है, ठीक है, कैरेट से मिलता है, ठीक है, इत्यादि है ना, ठीक है। इसका क्या काम है स्टूडेंट, ये हमारे क्या करता है, स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है, ठीक है, कीप द आईज एंड स्किन हेल्दी, ये हमारे आईज और स्किन को क्या करता है स्टूडेंट, हेल्दी रखता है, ठीक है। उसी तरीके से आइए स्टूडेंट, विटामिन बी वन है ना, विटामिन बी वन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, तो व्हीट से मिलता है, ठीक है, राइस से मिलता है, व्हीट से मिलता है, राइस से मिलता है एंड मीट से मिलता है, मीट से मिलता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, कि हमारे बॉडी को एनर्जी देने में मदद करता है, क्या करता है, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर बॉडी है ना, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी एनर्जी इन आवर बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी को क्या करता है स्टूडेंट, एनर्जी देने में मदद करता है। उसी तरीके से विटामिन सी है ना,
विटामिन सी जो होता है स्टूडेंट वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, आंवला से मिलता है ना, आंवला से मिलता है ना, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं उससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वेजिटेबल से मिलता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, हिट्स कट्स एंड बाउंस एंड कीप द गम्स हेल्दी है ना, ये क्या करता है स्टूडेंट है ना, हिट्स कट्स हेल्थ कट्स एंड बाउंस एंड बाउंस एंड कीप्स द गम्स हेल्दी, द गम्स हेल्दी है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, विटामिन डी है ना, विटामिन डी के बारे में ये कहाँ से मिलता है आपको, सबसे पहले तो ये आपको सनलाइट से मिल जाता है, कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, बटर से मिलता है ना, एटीसी बहुत सारी चीजों से मिलता है, ठीक है, नोट्स में और भी ज्यादा लिखे होंगे, ठीक है। ये क्या करता है स्टूडेंट कि हम जो खाना खाते हैं है ना, हम जो क्या करते हैं खाना खाते हैं तो विटामिन डी क्या करता है, हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ है ना, आपका दांत या आपकी हड्डी को मजबूत रहने के लिए ये क्या करता है, विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कैल्शियम को फास्फोरस को ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स है ना, उसी तरीके से ये तो हो गया, उसी तरीके से विटामिन ई होता है, विटामिन ई कहाँ से पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है विटामिन ई है ना, नट्स में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ही पाया जाता है। ये क्या करता है स्टूडेंट कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है, कौन, विटामिन ई। विटामिन के जो होता है स्टूडेंट वो हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ये है ना आपको कीवी फ्रूट से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, ये आपको क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में ये आपकी मदद करता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट मिनरल्स पर, मिनरल्स पर स्टूडेंट, तो आइए हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की क्या है, मिनरल्स ये भी क्या है स्टूडेंट, आर प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट ये क्या है स्टूडेंट आपका, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है मिनरल्स है ना, मिनरल्स प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स है ना। मिनरल्स आपको कितने तरीके का होता है, दो तरीके का मिनरल्स होता है स्टूडेंट, एक होता है मैक्रो मिनरल्स, ठीक है, मैक्रो मिनरल्स है ना, मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स हो गए स्टूडेंट, कैल्शियम सोडियम है ना, कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम एंड पोटेशियम। वहीं एक होता है आपका माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स है ना, माइक्रो मिनरल्स कौन कौन होता है स्टूडेंट, माइक्रो मिनरल्स हो गया ठीक है, एक होता हो गया मैक्रो मिनरल्स, एक होता है सभी ट्रेस मिनरल्स, क्या होता है ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स है ना, ट्रेस मिनरल्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन मैक्रो मिनरल्स का हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ट्रेस मिनरल्स की जो हमारी बॉडी को बहुत कम जरूरत होती है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया है ना स्टूडेंट। आइए हम लोग आयरन मिनरल्स पे बात करते हैं, आयरन मिनरल्स पे हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट, तो आयरन मिनरल्स होता क्या है, देखिए आयरन मिनरल्स का सोर्सेस क्या है, आयरन मिनरल्स हमें, आयरन जो है वो हमें मीट से मिल जाता है, एग से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, एप्पल से मिल जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में आपको मालूम है कि होमोग्लोबिन पाया जाता है, तो उस होमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराने में कौन मदद करता है, आयरन मदद करता है, ठीक है स्टूडेंट है ना। कैल्शियम क्या होता है स्टूडेंट, कैल्शियम ये भी मिनरल्स है, ये कहाँ कहाँ से मिलता है आपको, मिल्क से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, एग से मिलता है, स्पाइनेक से मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके बॉडी को, बॉडी के बोन को और टीथ को हेल्दी रखता है ना, दांत को और हड्डी को मजबूत रखता है। वहीं पर आयोडीन होता है स्टूडेंट, आयोडीन भी एक मिनरल्स है, ये मिनरल्स कहाँ कहाँ से मिलता है आपको, आयोडाइड सॉल्ट से मिलता है या सी फूड जो समुद्री फूड होते हैं उससे मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है स्टूडेंट्स कि ये हमारे मेंटली डेवलपमेंट में मदद करता है, ओके स्टूडेंट्स है ना, खास करके बच्चों में। फास्फोरस
जो है ये भी मिनरल्स है स्टूडेंट। फास्फोरस कहाँ कहाँ से मिलता है आपको? मीट से, फिश से, ईग से, है ना, और होल ग्रेन से मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये आपके दांत को, आपके हड्डी को मजबूत रखता है। सोडियम और पोटेशियम का सोर्स कहाँ से मिलता है? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो स्टूडेंट आपको कॉमन सॉल्ट से मिलता है, फ्रूट से मिलता है ना, वेजिटेबल से मिलता है। और ये क्या करता है हमारे बॉडी में वाटर के अमाउंट को क्या किया रहता है स्टूडेंट? बैलेंस किया रहता है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स मेरा क्लास समझ में आया होगा, और क्लास समझ में आया होगा स्टूडेंट तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आपका हमारे साथ बने रहें।